धौलपुर, देश में बढ़ती जिहादी कट्टरपंथियों की अतिवादी घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धौलपुर के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कार्यवाहक जिला कलेक्टर एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए देश में बढ़ रही राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बताया, देश भर में पिछले कुछ समय से इस्लामिक जिहादी कट्टरता बढ़ती जा रही है। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पर पथराव हो रहा है, योजना पूर्वक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हिंदू समाज अपने ही देश में अपने आराध्य देवों की शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम हत्या की गई, उस समय भी अनेक स्थान पर हिंदुओं पर हमले हुए थे। अभी हाल ही में बहन नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल के बयान को लेकर जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से हमले किए गए। हिंदू घरों, दुकानों, वाहनों को आग लगा दी गई, संपत्ति को भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया। कानून को इन जिहादियों ने मजाक बना दिया। इस दौरान बजरंग दल ने भेजे गए ज्ञापन में ये सब मांगे की है। जय श्री राम। मैं मनोज सोनी, जिला संयोजक बजरंग दल। जो देश के अंदर जिहादी शक्तियों के द्वारा जो ये कानून व्यवस्था को खराब किया जा रहा है, कहीं पथराव किया जा रहा है, कहीं आगजनी की जा रही है, इसके खिलाफ ये बजरंग दल ने देशव्यापी ज्ञापन दिया है। और ये जिहादी कुछ ज़्यादा ही ये समझ रहे हैं कि ये हिंदू कुछ कर नहीं सकता, हिंदू जवाब देने में सक्षम है, पर हिंदू कानून के तहत चल रहा है। और जब तुम्हारी मानसिकता के आधार पर आ जाएगा हिंदू, तो अपना बदला लेना भी जनता हिंदू। जय श्री राम। धर्म विशेष के लोग अराजकता फैला रहे हैं और देश विरोधी ताकत के रूप में ये बढ़ रहे हैं। इनके विरोध में हमने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों ने यहाँ ज्ञापन और प्रदर्शन किया है। और आने वाले समय में अगर कोई भी किसी तरह की प्रतिक्रिया में ये देते हैं, तो हिंदू समाज इनके विरुद्ध जनमानस पूरा इनके विरुद्ध बढ़ा।